हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आइए आपको ले चलता हूँ हाटकोटी मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ये पांडवों ने बनाया था अपने वनवास के समय में, जब उन्हें राजा छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये कहा जाता है ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, हाटकोटी माता का। ये दुर्गा माँ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। आप इस पर देख सकते हैं कैसी नक्काशी है, कैसी कलाकारी है। इतना पुराना मंदिर है और बहुत ही साक्षात यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। बहुत शक्तिशाली मंदिर है हाटेश्वरी माता का, और बिल्कुल ये बात देखने से सत्य भी प्रतीत होती है कि ये ज़रूर पांडवों ने ही बनाया होगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शिवालय है, और शिवालय के जो दरवाजे पे एक पत्थर लगा है वो उस ज़माने में किसी आम इंसान के लिए उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उठाना तो छोड़िए, उसे हिलाना भी नामुमकिन है। और आप इस पत्थर का साइज़ देखिए, तो ये ज़रूर महाविशाल का है, भीम ने हिलाया होगा इस पत्थर को यहाँ पर। ये इतना बड़ा पत्थर देखने से प्रतीत होता है कि ये ज़रूर उसी ज़माने का मंदिर है। बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर है। और ये पाँच जो इस तरह के छोटे मंदिरों का पत्थरों से निर्माण किया गया है, तो सचमुच में लगता है कि पांडवों द्वारा ही निर्मित है। तो ये था हाटकोटी माता मंदिर। आप भी आइए, ये शिमला से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, अच्छी सड़क है। शिमला से आप सुबह चल के हाटकोटी आ सकते हैं, दर्शन करके वापस शिमला भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।